सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपकी लाइफ को बदल देगी और या कहें कि आपके फ़ोन के जो लुक्स को वो एकदम ही कम्प्लीटली चेंज कर देगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे फ़ोन की लुक जो है वो कितना डिफरेंट लग रहा है। देखिए हर फ़ोन में एक ना एक लॉन्चर होता है जिससे वो फ़ोन की पर्सनैलिटी को बनाता है, लेकिन अपने फ़ोन को दूसरों से अलग करने के लिए हमें कुछ ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊँगा जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को दूसरों थोड़ा हटकर बना सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं, जैसे कि आपको मेरा फ़ोन यहाँ पर दिख रहा है। तो इस जैसे मैं आपको बताऊंगा इस ऐप के बारे में, तो देखिए ऐप आप जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे और तो इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से आपको ऐप को वो इंस्टॉल कर लेना होगा और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक नेक्स्ट ऐप को एक इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा आपको लॉन्चर के लिए, तो उसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। छोटी छोटी ऐप है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसके फंक्शन। देखिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक फूल बना हुआ नज़र आ रहा है, इस फूल के अंदर मैंने छोटी छोटी ऐप्स जो अपनी मेन है वो मैंने यहाँ सेट कर रखी है। आप अपने हिसाब से अपनी ऐप्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, जैसे कि मैंने कैमरा, कॉल्स वगैरह, ये दो इतनी ये ऐप्स मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है। दोस्तों होता क्या है, हम जब ऐप्स ढूंढते हैं तो कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि कुछ ऐप्स हमें पहले पेज पर मिलती है, कुछ ऐप्स हमें बाद के जो ऐप पेज होते हैं उस पर हमें मिलती है, स्क्रीन के जो भी पेज होते हैं उन पर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो नीचे आपको बटन नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर उल्टे हाथ पे पहले नंबर के ऑप्शन अगर आप क्लिक करेंगे, ये कम्युनिकेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई जितनी भी ऐप्स हैं वो आपको एक ही बटन पर आपके सामने होगी, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वॉइस कॉल हो, मैसेज हो, या आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो, या फिर जीमेल आईडी, कुछ भी हो, जो भी कॉन्टैक्ट से जुड़ी हुई जिस आपकी ऐप होगी वो एक ही बटन पे आपके सामने होगी, आपको बार बार पेज नहीं बदलने पड़ेंगे। उसी तरह अगर आप ये दूसरे नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि इंटरनेट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, देखिए इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी भी ऐप्स हैं जिसके लिए इंटरनेट यूज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए गूगल मैप्स है, गूगल आईडी है आपकी, गूगल ड्राइव है, पेटीएम है, प्ले स्टोर है, वो सारी आपको यहाँ सेकंड नंबर के ऑप्शन पे सिर्फ क्लिक करते ही आपके सामने सारी ऐप्स होंगी। और तीसरे नंबर पर की जो ऑप्शन है यहाँ पर गेम्स, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गेम्स से जुड़ी हुई जितनी भी ऐप्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी। उसी तरह चौथे नंबर पर आप देखें तो आपको टीवी का एक आइकन दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर टीवी वीडियो से जुड़ी हुई जितनी भी ऐप्स हैं वो आपके सामने होगी, चाहे वो कैमरा हो, रिकॉर्डर हो, गैलरी हो, फोटो वगैरह, या यूट्यूब ही क्यों ना हो, या कोई भी वीडियो या टीवी से जुड़ी हुई जितनी भी देखने वाली जो ऐप्स हैं वो आपको इस क्लिक पे सामने मिल जाएगी। और जो लास्ट ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो दूसरी ऐप्स होती हैं जैसे कि कैलकुलेटर और प्लानर वगैरह जो भी हैं वो आपको यहाँ पर एक क्लिक में मिल जाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ सेटिंग्स पे भी क्लिक करके इसकी सेटिंग्स में भी फेरबदल कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप जो भी सेटिंग्स चाहते हैं उनको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या किसी भी जो आपके फ़ोन की जो सेटिंग्स है वो भी आप इसी क्लिक पर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक और बहुत अच्छा फीचर ये है, जैसे देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ, ये आपको ऊपर सर्च बार नज़र आ रहा होगा, जिस तरह हम गूगल सर्च बार में कुछ भी ढूंढने के लिए सर्च करते हैं उसी तरह यहाँ पर अगर आप किसी भी एप्लीकेशन या कुछ भी चीज़ ढूंढना चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर की, तो उसमें आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पिक्स आर्ट ढूंढने के लिए यहाँ टाइप करता हूँ, तो जैसे ही मैंने पी आई यहाँ पर लिखा तो यहाँ देखिए आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिख गया है मेरे को यहीं पर पिक्स आर्ट, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन कर सकता हूँ। क्योंकि हम जब एप्लीकेशन में सर्च करते हैं तो थोड़ा वहाँ टाइम भी लग जाता है, आप यहाँ पर किसी का भी नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एप्लीकेशन कुछ भी सर्च करते हैं कर सकते हैं डायरेक्ट ऊपर लिखकर, और आपको कोई भी एप्लीकेशन को सर्च नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको किसी तरह की कोई परेशानी आएगी। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का इस्तेमाल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा और वहाँ से आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों। इससे आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी, ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।